चलो अब डिश आउट करते हैं। ये देखें ये हमारी कलेजी, चिकन कलेजी हो गई है तैयार। ग्रेवी वाली कलेजी है मेरी, सूखी सूखी कलेजी नहीं है। देखो ग्रेवी कितनी है, इसको ग्रेवी बोलते हैं। ज़बरदस्त सी मसालेदार कलेजी ग्रेवी वाली तैयार है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम खैरियत से नहीं है, हमें नज़ला बुखार हो रहा है। तो चले खैरियत तो चलता रहता है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन की कलेजी। देखें हमने चिकन लिए 1.5 पाव चिकन, ओह सॉरी कलेजी। अब हम थोड़ा इसमें हमने प्याज पीस ली है, 1 पाव के करीब प्याज है। इसमें 1 अदर टमाटर है, आपको दिख रही होगी लाल लाल हो रही है ना। तो हमने टमाटर का ही पेस्ट इसी में बना लिया है प्याज में। अभी हम सबसे पहले कलेजी फ्राई करेंगे, ठीक है? फ्राई इसे लगे बुकरान जो होती है चली गए, बुकरान नहीं बिसेन वही। इसमें थोड़े से हल्दी नमक और लहसुन अदरक जाएगा और थोड़ी सी प्याज। कल की वीडियो में जितने छीके आ रही थी पता है। ज़रा सी ये लाइट गोल्डन होती है, फिर इसमें कलेजी ऐड करेंगे। लाइट सी गोल्डन सी हो जाए इसमें जाएगी कलेजी और थोड़े से ये गरम मसाला स्टिक, थोड़े थोड़े जाएगी सब चीज़ें। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, ज़ीरा हमने पहले डाला हुआ है, ठीक है? अब ये जाएगी इसमें कलेजी। बिस्मिल्लाह फिर छिटे आ गई। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जाएगी हल्दी। हमने बोटियाँ इसकी बड़ी रखी हैं, छोटी नहीं करी बताओ, भूल गई थी धो के मैंने खाली रख दी थी ऐसे। थोड़ी सी हल्दी और लहसुन अदरक, ठीक है? थोड़ा सा लहसुन अदरक हल्दी नमक गरम मसाला डाल के हम इसको भुनेंगे। इसको भुनेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसमें हम हाथों हाथ प्याज ऐड करते रहेंगे और भूनते रहेंगे किसी भी प्याज ये वाली ताकि मसाला बन जाए। आप लोग भी प्याज पीस के बनाया करें ताकि मसाला बन जाए, अच्छा सा मसाला बन जाए, रोटी से खाने का काबिल हो जाए। हम इसको भूनते रहेंगे, प्याज ऐड करते रहेंगे। ये देखो बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे प्याज में, दिख रहा है ना पानी? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम ऐसे ही ग्राइंड करते हैं कि पानी नज़र ना आए, ऐसा लगता है प्याज हमारी सिल पे पिसी हुई है। इसमें जाएगी थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च ताकि कलर आपको पता चले कलेजी का कलर क्या है, और थोड़ी सी कुटी हुई पिसी हुई मिर्च कितनी ली है? 1 चम्मच, ये 1/2 चम्मच कुटी हुई। जब ये भुन जाएगी फिर इसके बाद मैं 1/2 चम्मच फ्लेवर के लिए डालूंगी कलेजी मसाला। और हरी मिर्च हरा धनिया वो तो ऊपर से जाएगा आपको पता है। और थोड़ा सा कलेजी मसाला, ये देखिए इतना सा लिया है खाली, इतना सा कलेजी मसाले में वो होती है ना कसूरी मेथी, ये इसलिए मोटा मोटा नज़र आ रहा होगा। फ्लेवर चेंज हो जाता है, मतलब अच्छा टेस्ट हो जाता है कलेजी का।
ये हम भुनने भुनने में हमारी कलेजी तैयार हो जाएगी, चिकन कलेजी है ना। कितने टाइम में? 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगी। प्याज हमने सब डाल दी। हमने सब प्याज डाली आपके सामने, इसको भूनेंगे। इसमें टाइम नहीं लगता है ना, चिकन कलेजी 10 मिनट में तैयार हो जाती है। 10 मिनट? 10 मिनट, 15 मिनट। चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद, ठीक है, जब ये अच्छी तरीके सब तैयार हो जाएगी। मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। वेलकम बैक गाइस, हो गए हमारे 15 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। कलेजी हो गई है तैयार, अभी हम आपके सामने भूनेंगे और ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए 15 मिनट में तैयार हो गया। हरी मिर्च दो लगा के क्यों फ्रिज में छीटे आएंगे बेटा, पीछे कर लो। इसको थोड़ा भूनेंगे फिर अपनी डिश आउट करेंगे। तुम लोग फेंक देते हो तो मैं तो खाती हूँ। अच्छा इसमें टमाटर देखो पीस के डालते हैं हम, तो कितना नजर भी नहीं आता, कितना मजेदार लग रहा है। हर चीज परफेक्ट। और इसमें रोगन इसका अपना है, मतलब डाला है तेल। अच्छा रोगन बन गया तेल। अब जब भुनाई करते रहेंगे रोगन अपने आप बनता रहेगा, ये होता है ना। ज्यादा डालेंगे रोगन ज्यादा आएगा, कम डालेंगे कम आएगा, समझे। ये देख ये हमारी होगी भुनी भुनी। यस मैं रोगन थोड़ा और एक के और डाल कम है। ये अपने अब पकड़ है रोगन खाने में, ये तो एक प्लेट में खत्म हो जाएगा ये वाला रोगन। रोगन कम खाओ कम, बस अभी और आएगा इसके ऊपर आ जाएगा फिर। ये देख थोड़ा सा धनिया जाएगा इसके अंदर, थोड़ा ऊपर से भी डाल देंगे। ये ऐसे थोड़ा और धनिया भी। सो गाइस आप लोग क्या हाल है आपके, कैसे हैं? बहुत इजी रेसिपी है, आपकी समझ में ना आए आप अगर ये, बहुत से लोग नहीं भी खाते, बहुत से लोग खाते हैं। हाँ चिकन की नहीं खाते? नहीं चिकन की नहीं खाते खाली, वरना बीफ की मटन की तो खाते हैं सब। हाँ खुशबू। हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर रेगुलर देखने वाले हैं तो लाइक करें प्लीज़, डिसलाइक ना करा करें। इसको हम और भूनेंगे अच्छी तरह से थोड़ा सा। ये देखो कच्चा पन तो खैर नहीं है, मगर ये भुनाई हुई अच्छी लगती है भुनी हुई। चलो अब डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारी कलेजी, चिकन कलेजी हो गई है तैयार। ग्रेवी वाली कलेजी है मेरी, सूखी सूखी कलेजी नहीं है, देखो ग्रेवी कितनी है, इसको ग्रेवी बोलते हैं। ज़बरदस्त सी मसालेदार कलेजी ग्रेवी वाली तैयार है। इसको आप साबुत प्याज का ही बना सकते हैं, मतलब छोटी छोटी बारीक बारीक काट के, हमने तो पीस के बनाई है, बड़ी मज़े की बनती है पीस के।
ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो सो गाइस ये थी हमारी वीडियो कलेजी की रेसिपी। कल देखते हैं हम क्या बनाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।